दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे अपने YouTube चैनल अमित लकड़ा ब्लॉग्स चैनल में। कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि मैं फर्स्ट ब्लॉग वीडियो बनाऊँ, तो सो आज आ ही गया आप लोगों के सामने और ये मैं अपनी फर्स्ट ब्लॉग की वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मेरा परिचय, मेरा नाम अमित लकड़ा है और मैं छत्तीसगढ़ के छोटे से जिले बलरामपुर से बिलोंग करता हूँ और छोटे से गाँव में रहता हूँ। एक राज की बात है दोस्तों, मैं वो आपको सब वीडियो के आखिरी में बताऊंगा, इसलिए ये वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, कर दीजिएगा ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। मेरे घर के नज़दीक में आके एक छोटा सा जंगल है, आपको दिखाना चाहूँगा। ये पूरा यहाँ जंगल ही जंगल है, तो यहीं पर आया हुआ हूँ अभी, तो ये आपको मैं दिखा सकता हूँ। देखिए पूरा पेड़ पौधे लगे हुए हैं और ये पास में नदी भी है। मेरे घर में मेरे पिताजी, मेरे माताजी और दो मेरी छोटी सिस्टर हैं। आप लोगों को गांव के अच्छे से अच्छे वीडियो आप लोगों के सामने रखूंगा, आपको दिखाऊंगा। हर चीज राज है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी। ऐसी जिंदगी हम छिप छिपाए। ये सामने से घर ऐसा दिखता है, तो सामने उधर है, ये आंगन है और इधर ये अल्बेस्टर का घर बना हुआ है और इधर कुटाई मशीन है, धान का कुटने का काम करते हैं। वो जो देख रहे हैं वो मेरा घर है, मिट्टी का बना हुआ, और एक साइड इधर सीमेंट का बना हुआ है और यहाँ आम पेड़ है जो तो इस बार फला नहीं है, काफ़ी फल लगते हैं इसमें। और एक ये आम का पेड़ है, इसमें भी नहीं फला इस बार, और एक वो नींबू का पेड़ है। ये पेड़ ही पेड़ हैं, पूरा जंगल है घर के चारों साइड। ये मुर्गी लोग चर रहे हैं, मुर्गी पाल रखा है हमने, ये बरसात में जलाने के लिए लकड़ी। ये देखिए घर के बाहर का सीन है। ये मेरा भाई लोग यहाँ बनाए हुए हैं। सहनी हमें सजा है, हम हैं सजा के। इसका भोलू भोलू नाम है और ये मेरे भाई का कालू। वीडियो के शुरुआत में मैं आप लोगों से एक राज की बात बताने वाला था। वो राज की बात ये है कि मैं एक छत्तीसगढ़ पुलिस का जवान हूँ, मैं खुद अपनी मेहनत से ज्वाइन हुआ हूं, तो आप लोगों से भी कहना चाहता हूं कि आप भी मेहनत कीजिए, अपने माँ बाप का सहकार कीजिए, अपने पैरों में खड़े होइए, मेरा कहना ही है। मेरे जॉब में लगा हुआ अभी 9 महीना हुआ है, मेरी ट्रेनिंग नहीं हुआ है, अभी ट्रेनिंग सेंटर खाली नहीं है, तो मालूम अपना रक्षित केंद्र में रहते हैं। दोस्तों मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आप लोगों के सामने अच्छे अच्छे मोटिवेशन वीडियो और रियल लाइफ की और गाँव के लाइफ स्टाइल की वीडियो आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। यही उम्मीद करता हूं कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और मेरे वीडियो को वायरल कर देंगे। जय हिंद दोस्तों।